डाउट्स वगैरह जो लास्ट वीडियो पे थे उस पर आते हैं यार एंड ऑब्वियसली उस पर डाउट होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि कैंड uh, ऑफ kind of बिना कॉन्टेक्स्ट के स्टार्ट कर दिया सब कुछ सो शेयर माय स्क्रीन रियल क्विक क्योंकि छोटा सा कैंड ऑफ थियोरेटिकल रोड मैप देता हूँ ठीक है दिख रहा है ना सबको स्क्रीन हाँ भैया ओके okay. तो यार अपेरेंटली फ्रंट एंड में uh, ऐसा कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है ठीक है सॉरी टू ब्रेक इट आउट टू यू लेकिन ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारा एकेडमिक सिस्टम ऐसा दिखाता है कि हर चीज़ का रोड मैप होता है लेकिन ऐसा है नहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर चीज़ का रोड मैप होना भी नहीं चाहिए यू शुड एक्सप्लोर थिंग्स योर सेल्फ और जब तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे तो तुम उस चीज़ को पिक करते हो एज समथिंग यू आर सीरियस अबाउट ठीक है तो अगर तुम यूट्यूब खोलते हो तुमको दस तरह के मतलब मिल जाएंगे लोग जो रोड मैप बना रहे होंगे ठीक है पहले एस टी एम एल करो फिर सी एस एस करो यू नो आई मीन विशाल राइट right? सब uh, so विशाल तुम्हारा क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है इस एम जस्ट क्यूरियस अ uh, अभी तक तो मतलब मैंने HTML CSS वगैरह एक्सप्लोर किया था फिर अभी जावास्क्रिप्ट देखा था फिर hmm. अभी मतलब रिएक्ट बहुत पॉपुलर है तो अभी रिएक्ट सीख रहा हूं hmm. तो सो so, ये ये जो सीक्वेंस ऑफ चीजें सीखी है तुमने मतलब किसी ने बताया था या तुमने ऐसे ही मतलब मतलब ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर <laughs> है कि आप मतलब पहले स्ट्रक्चर बनाओगे फिर उसको प्रेजेंटेशन hmm. दोगे फिर इंटरैक्टिविटी डालोगे तो इसलिए ओके ओके सो so, यार yeah, देखो ऐसा है uh, सुनने में थोड़ा तो वियर्ड लगेगा बट कंसिडर इट लाइक मैथ्स ठीक है इवन तो मतलब फ्रंट एंड को मैथ्स से लोग रिलेट नहीं करते हैं बट टेल यू वाई देट इज तो तुम अपने जेई के प्रिपरेशन के टाइम तुमने दस तरह की चीज़ें पढ़ी है मैथ्स में राइट जो प्रॉबेबली तुमने अभी तक यूज़ नहीं की होंगी हंड्रेड परसेंट ठीक है तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग वाई वाई वी taught such advanced concepts at such a young age क्या क्या reason लग रहा है क्योंकि <coughs> apparently यार मतलब चीज़ों uh, के exploration में usually ये होता है कि you stumble upon something first and then you question why that happens ठीक है अब if you try to do it the hard way जहाँ पर तुम एकदम scratch से zero से start करते हो and you build your way up तो उसमें यू विल लूज मोटिवेशन बिकॉज तुम्हारे पास कुछ टेंजबल होता नहीं है गेरिंग इट तो जैसे अगर मैं मैथ्स का एग्जाम्पल दूँ ठीक है इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो अगर ठीक है तो इंटीग्रेशन क्यों काम कर रहा है अगर तुम ये पढ़ने जाओगे तो यूल प्रॉबली हैव टू गो थ्रू न्यूटन्स जो भी उन्होंने स्टफ़ लिखा है रिगार्डिंग दैट अब अगर तुम उसको समझने बैठोगे तो प्रॉब्ली यूल लूज मोटिवेशन टू इवन स्टडी मैथ्स ठीक है सो so, हम क्या करते हैं वी जस्ट लर्न कि हाँ इंटीग्रेशन एक चीज़ होती है क्यों यूज़ करते हैं वो सीख लिया बट वाई इट वर्क वो हम एक्चुअली कॉलेज में जाकर सीखते हैं गिवेन अगर वो कोर्स में है तुम्हारे तो ठीक है कभी कभी तो वो भी नहीं सीखते क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है तो उसी तरह लिटरली हर फील्ड में स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस मतलब कुछ फील्ड में ऐसा नहीं कर सकते हो जैसे मेडिकल में नहीं कर सकते हो ये बट थैंकफुली कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो वेयर यू कैन ट्राई थिंग्स आउट फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन कि ये क्यों चल रहा है बट टू क्वेश्चन ये क्यों चल रहा है दिस इज़ इम्पोर्टेंट तो ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम करके चले अगर तुमको पता नहीं तुमने क्या किया है ठीक है तो यूजअली अगर तुम ऐसे पूछोगे कि फॉर्मल रोड मैप क्या है देर इज़ नन अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नन लेकिन ऑब्वियसली तुमको अगर स्टार्ट करना है तो मतलब यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई एच कुछ होता है ठीक है अच्छा मार्कअप लैंग्वेज जिससे तुम यू का स्ट्रक्चर लिखते हो राइट देन देर इज सी एस एस कैस्टिंग स्टाइल शीट जिससे तुम मैंशन करते हो कि तुम्हारा यू आई में स्टाइलिंग कैसी हो गया कस्मेटिक डिटेल्स लाइक कलर्स राइट एंड आफ्टर दैट जावा स्क्रिप्ट कम्स इन जहाँ पे यू वॉन्ट टू हैव समिविटी गोइंग ऑन राइट अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इनको करता रहा हूँ मतलब मैं कितना डिटेल में पढ़ूँ इसको इसका कोई लिमिट थोड़ी है मतलब तुम जावा पढ़ो पढ़ने बैठोगे जावा के दस वेरियंट है ब्रो राइट right. मतलब तुम्हारे पास ट्वेंटी uh, फिफ्टीन में कोई नया शीट आ गया उसके हिसाब से जाओ स्टी इम्प्लीमेंट हुआ या कुछ नए फीचर्स ऐड हुए उनको पढ़ने बैठोगे ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है सी एस एस हो सी एस एस थ्री हो गया सी एस एस के थ्री डी ट्रांसफॉर्म्स हो गए और भी एडिशनल स्टफ हो गया तो इन इसका कोई लिमिट नहीं है सो so, एक बेयर मिनिमम जो फाउंडेशन है यू जस्ट नीड टू नो दैट एट स्टार्ट बिल्डिंग मतलब कुछ भी ज टैंजबल ठीक है तो इतना एक बेसिक जानने के बाद अब क्या बेसिक है उसका कोई मतलब फिक्सड अमाउंट नहीं है वॉट एवर वर्क फॉर यू इज बेसिक ठीक है इफ़ यू हैव आइडिया कि मुझे ये बनाना है और उतना तुमने सीख लिया है तो दैट्स बेसिक फॉर यू उतना करके जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग राइट एंड वैन यू स्टार्ट बिल्डिंग मतलब दिस इज हाउ एक्सप्लोरेशन शुड बी यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग राइट बिल्ड समथिंग एंड देन यू क्विकली रियलाइज कि अगर मैं इनको एज इट इज यूज करूंगा दिस डज नॉट स्केल एंड वॉट आई मीन बाई डज नॉट स्केज नॉट स्के डज नॉट स्केल इट मीन्स कि अगर तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाने जाओगे like a simple, uh, कुछ भी एप्लीकेशन ले लो यार मतलब एक ई कॉमर्स साइट ही ले लो चलो एज सिंपल एज इट गेट्स अगर तुम एक ई कॉमर्स आई टी बना रहे हो यू विल नॉट बी एबल टू स्केल दिस हो सकता है तुम बना लो बट यू विल नॉट बी एबल टू मेनटेन दिस तो उस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है मतलब सीख जाओगे अच्छी बात है बट लाइक इट्स नॉट यूज़फुल सो वॉट इज़ यूजफुल तो फिर क्या किया है मतलब अलग अलग ऑर्गनाइजेशन ने बहुत सारे लोगों ने मिल के ओपन सोर्स कम्यूनिटीज़ हो गई सब ने मिल के फ्रेमवर्कस बनाए हैं फ्रेमवर्कस क्या करते हैं वैन यू बिल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग

People have identified these recurring patterns and they have extracted them into frameworks or libraries. Framework or library may difference hota hai ki library a particular problem. Ko solve and it will work as an addition to your current workflow. Framework is like something that that is like a kind of a box within which you have to work, or framework khud APIs dega jinko use the It does not really fit into something else, rather it लाइक यूल हैव टू एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग ठीक है तो देन यू बेसिकली मूव ऑन टू सम दैट स्केल्स बेसिकली है ना तो यूल प्रोबली ट्राई टू बिल्ड सम थिंग अगेन हो सकता है तुम फिर से वही चीज़ बनाओ जो यहाँ पे बनाया तुमने यूजिंग मे बी समर्ट ऑफ एडवांस्ड लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क ठीक है एंगुलर जे एस इज़ द पुराना वाला वर्जन एंगुलर ही बोलते हैं हम नए वाले को यू हैव व्यू आई गेस व्यू और भी बहुत बहुत सारे फ्रेमवर्कस हैं लोग बनाते रहते हैं अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनते जाती हैं इन अलग अलग फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज की अलग अलग पॉपुलैरिटी होती है बेस्ड ऑन समीज़न जो तुमको खुद समझना है कि क्यों पॉपुलर है नहीं है इनमें से कोई एक पिक करना है आई है बिल्डिंग अगैन ठीक है मतलब हैविंग स्ट्रांग ओपिनियंस अबाउट लाइब्रेरीज इज गुड रिलीजियस ना होने की कोशिश करना बिकॉज um, मतलब अगर रिलीजियस हो जाओगे देन यू विल फेल टू सी गुड थिंग्स इन अदर लाइब्रेरीज या अदर फ्रेमवर्क्स या अदर अदर वे ऑफ थिंकिंग ठीक है तो अगेन लाइक बिल्ड समथिंग सिंपल एंड दैट समथिंग कुड बी लाइक रियली ट्रिवियल यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू कवर कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट दैट आर डिफाइंड ठीक है क्या बनाओगे अब ये अगर पूछोगे किसी से तो दैट्स अ वेरी स्टूपड क्वेश्चन क्योंकि तुम क्या बना सकते हो तुम्हारे टाइम में तुम्हारे पास कितना टाइम है दैट वुड बी समिंग वेरी स्पेसिफिक टू यू एज ए इंडिविजुअल राइट सो अब यूजली अब होता क्या है मतलब इतना पार्ट आपको दिखता है ठीक है मतलब इतना पार्ट ऑफ फ्रंट एंड पूरे इंडस्ट्री को पता है और इतना ही तुमको लोग बोलेंगे भी तुम कोई भी YouTube पे चैनल उठाओ जहां पे लोग ऐसे फालतू के ज्ञान देते हैं जैसे दो तीन नाम ले सकता हूं मैं <laughs> <laughs> लेकिन uh, खैर मतलब फालतू के ज्ञान ये होंगे कि इतना कर लो हो जाएगा इतना कर लो हो जाएगा एप्सोलूटली uh, नॉट उतना कर कर लोगे तो इतना होगा कि हाँ यूल गेट हायर्ड समर बट इज दैट इनफ मतलब क्या इतने से तुम्हारा काम चलता रहेगा क्या लाइफ लॉन्ग ऑफकोर्स नॉट इट्स अ फील्ड एक्सप्लोर, ठीक है एंड हाउ यू डू दैट बाय अप्रोचिंग दिस साइंटिफिकली रादर दैन जस्ट बीइंग अ कंज्यूमर तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि आई वांट टू मेक समथिंग दैट पीपल कैन कंज्यूम जैसे रिएक्ट बनाया है फेसबुक ने या व्यू बनाया है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इन्होंने बनाया है सो दैट यू गैस कैन कंज्यूम इट राइट सो देर आर अदर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट एंड दैट यू कैन एब्सट्रैक्ट आउट एंड थिंक ऑफ इट एज अ रेकरिंग पैटर्न जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ एंड यू कैन स्टार्ट टारगेटिंग दैट प्रॉब्लम एंड बिल्ड यूर ओन थिंग ठीक है फ्राम देयर यू बिकम अ प्रोड्यूसर फ्राम अ कंज्यूमर ठीक है अफकोर्स मतलब आई वुडेंट सजेस्ट कि मतलब एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यू स्टार्ट मेकिंग लाइब्रेरीज बिकॉज दैट्स नॉट फीसिबल टू बिकम अ प्रोड्यूसर यू फर्स्ट नीड टू बी कज्यूमर क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना प्रॉब्लम्स हैं क्या जो तुम सॉल्व करोगे या कैसे इन प्रॉब्लम्स को बड़े बड़े ऑथर्स सॉल्व कर रहे हैं वो पैटर्न देख के ना तुम सीखोगे मतलब यू नीड टू वॉच अ हंटर एट वर्क बिफोर यू कैन एक्चुअली बिकम अ हंटर सो सिमिलरली यूल हैव टू कंज्यूम नो शेम इन कंज्यूमिंग कोई बात नहीं कर रहे हो अच्छी बात है बट आफ्टर अ वाइल मतलब ये कंज्यूमर बिजनेस से तुमको बाहर आना पड़ेगा ठीक है टू एक्चुअली ग्रो इन दिस अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है फ्रंट एंड में प्रॉब्ली तुम इससे आगे बढ़ भी नहीं पाओगे ये ये बिल्ड समथिंग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है सिंपल एज दैट ये किसी भी फील्ड के लिए वैलिड है तुम कोई भी फील्ड उठा लो तुम बैक एंड बोलो चाहे फ्रंट एंड बोलो चाहे मशीन लर्निंग बोलो जो भी है ये एक बेयर मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे तुम यू नो लाइक पीयर प्रेशर हो या इम्पोस्टर uh, सिंड्रोम हो उनके बेसिस पे तुम खुद को पुश कर कर के किसी तरह यहाँ तक आ जाओगे बट अगर तुम्हारा पर्सनली इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है यू वुडेंट स्पेंड योर एक्स्ट्रा आवर्स वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दिस वुट यू मतलब तुम्हारा अगर छुट्टी का दिन है क्या तुम स्पेंड करोगे एक चीज़ पर जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है यू विल प्रॉब्ली रीड समथिंग एल्स प्ले गेम्स अज समिंग यू नो तो हैविंग इंटरेस्ट इन दिस इज क्रूशल अब इंटरेस्ट क्या ऐसे आएगा अगर तुमको इंडस्ट्री इंडस्ट्री यही दिखाए कि रियक्ट इम्पोर्ट uh, किया एप्लीकेशन बन गया इतना हो गया काम ठीक है मतलब लोग जो बोलेंगे उसी हिसाब से तुम्हारा ओपिनियन होगा राइट तो इसीलिए एक्चुअली ट्रू फ्रंट एंड क्या है वो देखना इम्पोर्टेंट है ठीक है तुम्हें अगर देखना है ट्रू फ्रंट एंड क्या है जस्ट किसी भी बड़े कंपनी का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट देख लो ठीक है द द स्केल एट विच दे आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ठीक है तुम कोई भी जी एल लाइब्रेरी उठा लो ठीक है कैपलर जी एल ठीक है तो ऊबर इंजीनियरिंग के फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स देख लो मतलब रिएक्ट इथ सेल्फ इज अ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बाई द वे डन बाय फेसबुक एंगुलर इज अ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट डन बाई गूगल ठीक है व्यू वॉज मेड बाय एन एक्स गूगल एम्प्लॉय वैसे ही हजारों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो जब तुम इन प्रॉब्लम्स को देखोगे और तुम्हारा अंदर से इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार विजुअल थिंग्स आर समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन विजुअल चीज़ें में इंटरेस्ट होना अच्छी बात है तो क्या डिजाइनर बनोगे नहीं अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डेफिनेटली बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है कि मैं और कैसे पुश करूँ फ्रंट एंड में तो हाई परफॉर्मेंस सॉरी सो हाई परफॉर्मेंस फ्रंट एंड एप्लीकेशन राइट सो धीरे धीरे यू विल रियलाइज दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसे यू कैन प्रॉब्ली स्टार्ट लुकिंग इन टू वेब जी एल ओपन जी एल होता है उसी का एक सबसेट है वेब जी एल तो वेब जी एल यूज करके लोग ब्राउजर में थ्री डी एप्प्लीकेशंस बना रहे हैं हाउ टू मेक एप्लीकेशन परफॉर्मेंट ब्राउजर के अंदर तुम्हारे यू आई एप्लीकेशन कितने परफॉर्मेंट हो सकते हैं गिवेन दैट यू आर रनिंग ऑन ऑन अ वेरी अनऑप्टिमाइज कोड अगर बोलूँ तो ठीक है तो उसके लिए फिर लोगों ने वेब असम्बली का कॉन्सेप्ट लाया है वेर यू कैन राइट नेटिव कोड फॉर योर ब्राउजर यूजिंग रस्ट सी प्लस प्लस तो मतलब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट डाउन करने लगूंगा तो लोग क्या करेंगे ना ये वीडियो देखेंगे और बोलेंगे अच्छा ये है रोड मैप अब यही फॉलो करेंगे तो दैट बेसिकली डिफीट्स द पर्पज ऑफ दिस एंटायर वीडियो बट स्टिल आई जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ठीक है तो वेब जी हो गया या दिस इज प्रॉपर कंप्यूटर ग्राफिक्स यार ठीक है मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज सी यू आर यूजिंग वेब जी एल ठीक है देन यू हैव एजम

क्रोम एक्सटेंशन फायर एक्सटेंशन ये एक अलग चीज़ है जो तुम ट्राई कर सकते हो एक्सटेंशंस तो उसके बाद या uh, सो um, yeah. so, अब वेब जेल अगर हो गया तो वेब जेल यूज़ करके लोगों ने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं तो थ्री जी एस है ठीक है सो थ्री जी एस क्या है इट बेसिकली लेट्स यू क्रिएट थ्री डी थ्री डी एप्लीकेशंस ब्रादर ठीक है तो तुम इससे प्रॉपर गेम्स बना सकते हो ठीक है लोगों ने बना रखा है तो बेसिकली गो इन टू थ्री डी गेम्स अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है यू कैन गो इन टू गेम इंजन्स वो भी कर रखा है लोगों ने मैटर जेस बुलेट थ्री डी वाले मुझे याद नहीं आ रहे हैं बट गेम इंजन्स बना सकते हो ठीक है Uh, उसके अलावा हाँ आई I मीन mean, कायदे से गेम्स भी घुस सकते हो इफ़ यू वॉन्ट ऑफकोर्स मतलब ब्राउज़र पर गेम्स कितने फिजबल हैं दैट्स अ देट्स अ गुड क्वेश्चन तो अगैन गिवन दैट यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट यू कैन ईजिली स्विच टू समिंग डिफरेंट सो अगर तुमने गेम इंजन एक, एक सिम्पल लैंग्वेज में बना लिया है जो कि जवाब स्ट्रिफ्ट हो सकता है यून प्रॉब्लम मूव टू रेस्ट और तुम रेस्ट प्रेफर गेम इंजन बनाओ राइट देन यू हैव वी आर एंड ए आर राइट आई थिंक मोजिला का ए फ्रेम बोलते हैं शायद उसको यूज़ करके कर सकते हो यू इकन गोइंग टू मोबाइल एप्लीकेशंस यूजिंग फ्लटर एंड रियानेटिव ये भी फ्रेमवर्कस यूज होते हैं रियाक्नेटिव फॉर मेकिंग मोबाइल एप्लीकेशन अब अगर तुम मोबाइल एप्लीकेशन में घुस रहे हो मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रंट एंड साइड ऑफ थिंग्स में घुस रहे हो देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग again मतलब सेम चीज़ जो ऊपर हो रही है तुम ब्राउजर से अब फ़ोन में जा रहे हो विच इज़ फार मोर अंडर परफॉर्मेंट अब तुम उस पर अगर ग्राफिक्स अंडर करोगे तो कैसे तुम परफॉर्मेंट कोड लिख सकते हो राइट right. सो so, ये सारी चीज़ें हैं अब क्योंकि ये सारे नीच एरियाज़ हैं लोग इसमें एक्सप्लोर नहीं करते हैं नीच एरियाज़ हैं तो टफ भी है टफ़ है तो लोग छोड़ देते हैं नहीं करते हैं और क्योंकि नीच एरिया है तो जॉब इतनी जल्दी मिलेगा नहीं इसके अराउंड लाइक like, कोई तुमको वेबजियल इंजीनियर नहीं ढूंढ दूंद ढूंढता हुआ मिलेगा तुमको बट क्या ढूंढ रहे होंगे हाँ थ्री वाले लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे अब तुमको मतलब ऐसे लाइक नॉर्मल जॉब मार्केट में नहीं मिलेगा वो यूल हैव टू एक्टिवली लुक फॉर दिस जॉब्स और जहाँ पे होगा वहाँ पे तुमको मजा का आएगा काम करने बिकॉज यू आर एक्चुअली मतलब जेन्यनली इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स सो यू नो सो दैट्स द जस्ट ऑफ द होल रोड मैप थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट अब इस पे अगर फर्दर कुछ क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क अच्छा आप नेक्स्ट जेएस के बारे में बता सकते हो कहाँ पे फिट इन करेगा वो भी यार क्राउड एप्लीकेशंस में ही आएगा यार यहाँ पे ये वो ओके नेक्स्ट जेएस इज नथिंग बट अ सर्वर साइड रेंडरिंग फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट तो होता क्या है कि आई uh, थिंक 2013 से पहले की बात है तो उससे पहले uh, उससे पहले भी एप्लीकेशन्स सर्वर साइड साइडर्ड ही होती थी एंड देन केम द बूम ऑफ क्लाइंट साइड साइडर्ड एप्लीकेशन एंड नाउ अगेन आई थिंक ट्वेंटी 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 नाइनटीन जो भी है इट इट इज अगैन गोइंग बैक टू सर्वर साइड सर्वरसाइडर्ड एप्लीकेशन सो डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जैसे तुमने अगर कभी फ्लास्क में आप लिखा हो या हैंडल बार्स पर लिखा हो कोड लिखा है क्या कभी नहीं लिखा है हाँ लिखा है <coughs> तो उसमें वो टेम्पलेट्स होती थी ना याद है जिजर टेम्पलेट हाँ. यूज़ करके तुमने फ्लास्क पे लिखा या जैंगो ने. में लिखा है ना तो होता हाँ. क्या है कि जो मतलब यूजर ने अगर रिक्वेस्ट किया एक एस पेज ठीक है यूज़र कैसे रिक्वेस्ट करेगा तुम जब ब्राउजर में जाके गूगल लिखते हो तो गूगल से वो एक एस पेज मांगता है जो तुमको दिखेगा That, यहां पर तुमने जो भी लिखा है इट बेसिकली क्रिएट्स अ गेट रिक्वेस्ट पता है ना क्रड के जो अलग अलग वर्ब्स होते हैं गेट पोस्ट डिलीट पैच अपडेट है ना हाँ, तो वैसे हाँ. ही एक गेट रिक्वेस्ट मारता है वो एंड दिस गेट रिक्वेस्ट इज सपोज टू रिजोल्व टू अ एच टी एम एल फाइल ठीक है ये जो एच टी एम एल फाइल है इसमें इसमें तुम लिखते हो ना कि तुम्हारे क्या स्टाइल शीट चाहिए तो तुम एक लिंक टैग में लिखते हो ठीक है इसमें तुमको क्या स्क्रिप्ट चाहिए वो तुम एक स्क्रिप्ट टैग में लिखते हो उसके बाद कुछ कोड होता है है ना कुछ एक एच कोड होता है जो तुम बॉडी में लिखते हो राइट अब सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन में क्या होता है ये जो एच होगा ना ये सर्वर जनरेट करता है बिफोर सेंडिंग इट टू द यूज़र तो ये जो एच दिया इसको वापस दिस इज जनरेटेड ऑन द सर्वर तो इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी जैसे मान लो कि मैंने अमेजोन का एक पेज खोला है क्या अमेजॉन को ऑलरेडी पता है मैं क्या पेज खोलने वाला हूँ नहीं पता है ठीक है कब पता हो सकता है लेट्स अज्यूम अ ब्लॉग मेरा एक ब्लॉग है ब्लॉग पर दस दस ब्लॉग्स मैंने लिखे हैं वो दस ब्लॉग्स चेंज नहीं होने वाले हैं अ, मतलब अगर होते भी हैं तो इट्स गोइंट भी लाइक कभी मैंने कुछ चेंज किया और लाइक वेरी प्रडिक्टेबल तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मैं उसको एक स्टैटिक एस्टीमल फ़ाइल बना के रख सकता हूँ और यूज़र मांगेगा मैं वो फाइल दे दिया उसको काम ख़त्म ठीक है बट अगर ऐसा सीन है जिसमें यूज़र मांग रहा है एंड वी के नॉट प्रेडिक्ट कि यूज़र क्या मांगने वाला है तो उस केस में तुम ऐसे एस्टिमल फाइल्स बना के तो नहीं रख सकते हो तो उस केस में यूल हैव टू जनरेट ऑन डिमांड ठीक है तो यूज़र ने अगर बोला मुझे लेट से यूज़र ने ऐसे फ़िल्टर लगाया कि मेरे को सिर्फ शूज़ देखने रेड कलर के प्यूमा के तो ये जो पेज उसको दिखने वाला है अभी वो सर्वर जनरेट करके भेजेगा ठीक है इसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग इससे पहले जो मैंने बोला कि स्टैटिक फाइल्स जनरेट करके रखा उसको बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक साइड जनरेशन ठीक है एस एस जी या स्टैटिक फाइल जनरेशन बोलते हैं तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा एक केस में सर्वर हर बार बना रहा है तो मतलब वो ज़्यादा टैक्सिंग है सर्वर के लिए बट स्टिल फ़ायदा क्या है कि अच्छा फ़ायदे पे आते हैं पहले यह बात है कि जब उसने रिक्वेस्ट मारा है तो तुम्हारे पास एच वो पूरा कंटेंट है जो उसको चाहिए मतलब वो कार्ड का कोड जो बार ऊपर आ रहा है उसका कोड सब कुछ इस एस में है ऑलरेडी द स्ट्रक्चर ऑफ इट इन द एस टी एम एल इट सेल्फ सारे डिव टैग्स जो भी ज़रूरत है उसको रेंडर करने के लिए वो है क्लाइंट साइड में डिफरेंस क्या होता है क्लाइंट साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है कि The HTML that you get is a blank document. ye ye jo ये ये जो ye khali है hai खाली होता है मतलब hota exactly खाली नहीं होता tag इसमें एक se id होगा जिसमें से hota hai theek hai and होता है ठीक है एंड दैट्स एट दैट्स एट इतना ही होता है तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए तो फिर यूजर को दिखता है कैसे है यू आई इसलिए दिखता है क्योंकि इस इस फाइल में जो स्क्रिप्ट टैग है दैट इज द जावास्क्रिप्ट दैट इज गोइंग टू रेंडर द इंटायर एप्लीकेशन यूजिंग डॉम ए तो डॉम ए यूज करके पूरे एप्लीकेशन को इस डिव में माउंट करेगा ठीक है अगर तुमने रिएक्ट का कोड देखा हो कभी तो रिएक्ट में रिएक्ट रेंडर डॉट जो भी उसका रेंडर वाला फंक्शन होता है उसमें तुम एक स्पेसिफिक डॉम एलिमेंट देते हो उसको और उस पर वो चीज़ों को माउंट करता है ठीक है तो आ, इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने अगर आ, जावा स्ट्रिप्ट ऑफ करके रखा है ठीक है यूजर ने अगर ब्राउजर में जावा ऑफ करके रखा है तो तुम्हारा क्लाइंट साइड एप्लीकेशन ब्लैंक खुलेगा ब्लैंक एकदम खाली कुछ भी नहीं आएगा ठीक है बट ऑन द अदर हैंड अगर सर्वर साइड अंडर्ड एप्लीकेशन है ठीक है इसमें भी मतलब कुछ कैफियास ऐसा नहीं है कि भाई चल जाएगा पूरा का पूरा बट ऑल इन ऑल जितना पार्ट एच है इसके पास ना वो तो चलेगा ही ना जितना पार्ट जावा डिपेंडेंट है वो नहीं चलेगा ऑब्वियसली बट जितना यू आई फुल एच में है और जिसके स्टाइल्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं वो तो चल जाएंगे गेटिंग द डिफरेंस यस अब फायदा क्या है मतलब मतलब तुम अगर ऐसे नोटिस करो तो यार क्लाइंट साइड एप्लीकेशन क्लाइंट साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन तो बेटर है ना क्योंकि तुम ब्राउजर मतलब क्लाइंट के ब्राउजर पे तुम डाल दे रहे हो कि भाई तुम एप्लीकेशन एंडर करो मेरा ब्राउजर कुछ नहीं करना होगा सॉरी मेरा सर्वर कुछ नहीं करेगा मेरा सर्वर बस तुमको फाइल दे देगा जावा स्टेप फाइल ऑलरेडी हम लोग की बनी बनाई है कुछ भी ऑन डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है तो हमारे लिए तो ईजी है मतलब हमारे सर्वर पर लोड कम पड़ेगा तो सर्वर साइड की जरूरत क्या है सर्वर साइड की जरूरत यह है कि जो सर्च इंजेंस होते हैं ना वो जावा स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो लेट्स से गूगल का वेब क्रॉलर आया और वो हम लोग का फाइल बोला कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर साइट के लिए जो कंटेंट है वो दो मेरा कंटेंट जाएगा उसके पास और कंटेंट खाली है क्योंकि क्लाइंट साइड अटेंडेड है लेकिन अगर यही चीज़ सर्वर साइड अटेंडेड होगा तो उसको कंटेंट मिल जाएगा और उसको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है भी नहीं अब एनी anyway, वो कर भी नहीं सकता है बट कंटेंट तो उसको मिल गया ना तो वो कंटेंट पढ़ के अपना सर्च इंजन का जो भी उसका मैट्रिक्स है उसको मॉडिफाई कर सकता है इसीलिए यूजुअली तुम सुनोगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लोग सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन प्रेफर करते हैं ठीक है डिफरेंस समझ आ गया यस सो रिएक्ट बीइंग मतलब रिएक्ट आइसोमॉर्फिक है आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि क्लाइंट साइड के लिए भी कोड लिख सकते हो और रिएक्ट को यूज करके तुम सर्वर साइड पर टेम्पलेट्स सॉरी सर्वर साइड पे तुम एस भी जनरेट कर सकते हो जो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होने वाला है ठीक है तो रिएक्ट तो आइसोमॉर्फिक है और रिएक्ट को सर्वर साइड पे चलाने के लिए वॉलमार्ट ने भी इससे पहले एक लाइब्रेरी लिखी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड नाम था शायद उसका ठीक है नॉट श्योर sure क्यों पॉपुलर नहीं हुआ या पॉपुलर हुआ मुझे नहीं पता लेकिन अब वर्सल वालों ने नेक्स्ट जेस निकाला है विच इज़ प्रॉबली द बेस्ट जो अभी तक लोगों ने यूज़ किया है मतलब मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया है वो भी मैंने नेक्स्ट डे से ही बनाया है तो मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा uh, बाकी और कोई क्वेश्चन नो सर नहीं ओके okay. ओके no, okay, तो एनीवे uh, anyway, मतलब मैं ऐसे ही एक सी चीज़ पर काम कर रहा था मैं दिखाता हूँ तुम तो लोगों को <laughs> तो मैं इसको री कर रहा था यार एक्चुअली इससे पहले मैंने एक बार बनाया था उसको कम्प्लीट नहीं किया मैंने इस बार मैं री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफी स्ट्रक्चर चेंज करने का मन हुआ ये क्या लग रहा है तुम लोग को देख के वैसे <laughs> <laughs> क्या है ये सो अपेरेंटली दिस इज अ कैनवस ठीक है और तुम नोटिस करो इसको तुम अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा नहीं क्योंकि कैनवस एलिमेंट जो होता है इट बेसिकली रेंडर्स अ बिट मैप इट्स अ फोटो ठीक है बट फोटो है टेक्निकली बट जो कैनवस लेयर होता है वो डायरेक्टली एक जी पी से रेंडर होता है मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट uh, चीज़ें नहीं होती मतलब वो टेक्निकलिटीज रहने देता है तो ले देखे ये है कि इफ़ यू इफ यू नो हाउ टू मैनिपुलेट दिस यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ठीक है तो राइट <laughs> सो right, so, ये फिजिक्स इंजन की बात मैं जो कर रहा था मतलब टू डी थ्री डी फिजिक्स इंजन मैं ऐसे ही आई एम जस्ट वर्किंग ऑन समथिंग रैंडम कि फिजिक्स सिमुलेशन कैसे करें राइट सो आर बॉल्स जो मैंने ऐड किए हैं इनके कुछ कुछ मास दे रखे हैं मैंने ये माउस पॉइंटर को कैसे मैप करना है इस कैनवस पे वो हाउ विल द बॉल डिटेक्ट कि मैंने उसको क्लिक किया है इसका लॉजिक ठीक है कुछ नहीं है मतलब सिंपल मैथ्स है एक्चुअली गिवन कि तुम्हारे पास ऐसे ए नहीं है जैसे तुम डॉम एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करते हो ना यहाँ पे कैनवस में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लाइक आई सेड ये फोटो है बेसिकली तो तुम्हारे पास इक्वेशन है सर्कल की तुम्हारे पास पॉइंट है तुमने कहाँ क्लिक किया है तो तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल में पॉइंट को डाल दो तुमको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि नहीं ठीक है उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट फ्रेम में तुमको क्या पेंट करना है समझ रहे हो मतलब एम आई मेकिंग सेंस यस यस तो बेसिकली yes, yes, अगर मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल से इवेलुएट किया मैंने मैंनेट करने के बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट जो फ्रेम पेंट होने वाला है मतलब ये जो चीज है दिस इज दिस रनिंग एट सिक्सटी एफ पी एस राइट तुम्हारे ब्राउजर पर कोई चीज अगर मूव हो रही है है ना तुम्हारा माउस भी अगर मूव हो रहा है तो तुम्हारा स्क्रीन अपडेट हो रहा है सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड राइट एवरी फ्रेम बींग जनरेटेड विद इन सिक्सटीन मिली सेकेंड्स तो तुम ब्राउजर को बोल सकते हो कि है hey, ये जो नेक्स्ट फ्रेम है ये ऐसा दिखने वाला है तो ब्राउजर तुम्हारे वो पेंट कर देगा फिर से कैनवस ए में। एंड देन यू कैन बेसिकली डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मतलब सर्कल के अंदर हो तो जस्ट मेक श्योर कि सेंटर से मेरे माउस तक एक लाइन बननी चाहिए और जो भी उस लाइन की लेंथ होगी उसको मैं एज अ एज फोर्स ट्रीट करूंगा तो जितनी लंबी वो लाइन होगी उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा ठीक है मतलब तुम लोग फ्री टाइम मिले तो देखना ये कोड मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ स्टिल स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है ये तो जैसे एसेट्स में बॉल वगैरह डिफाइन किया मैंने इसमें जो भी मतलब लॉजिक है इसको रेंडर करने का इज इट ग्रैप्ड और नॉट उसका लॉजिक राइट right? फिर यहां पे एक इंजन डिफाइंड है तो इंजन हैंडल करता है कोलिजन पेनिट्रेशन वगैरह मतलब तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं सो लगा सैट कि ये एक पेंटिंग है राइट सो यहां पे मैंने सर्कल बनाने के लिए बोल दिया कि यहां पे एक सर्कल बनाना है यहां पे एक सर्कल बनाना है राइट right? ये जो चीज हो रही है ये ये कोलाइड करने पे जो मूव हो रहा है, है ना अब इस बॉल को नहीं पता इसकी आइडेंटिटी क्या है ठीक है तो अगर मैं दो मिनट के लिए पेनिट्रेशन और कोलिजन ऑफ कर दूं ठीक है तो अच्छा चलो ये पूरा लूप ही ऑफ कर देता है इसी वड एपेंड अब मैं पेनिट्रेशन लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ मैं कोलिजन डिटेक्शन नहीं कर रहा हूँ तो ब्राउज़र को क्या है मतलब ब्राउजर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तो सर्कल के ऊपर सर्कल पेंट कर देगा उसको क्या जा रहा है ठीक है तो बेसिकली तुम पूरा का को, पूरे कोलिजन को सिमुलेट करने के लिए यू राइट योर ओन लॉजिक कि हाँ अगर सर्कल अंदर चला गया दूसरे सर्कल के तो उसको रिजॉल्व करना है यू हैव टू डिटेक्ट कि हाँ पेनिट्रेट हो गया है दो सर्कल एक दूसरे के अंदर तो यू हैव टू मूव दम अपार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करने के बाद तुमको पता है अगर पेनिट्रेट हुआ है तो कोलाइड भी हुआ है कोलाइड हुआ है तो यू हैव टू यूज़ योर हाई स्कूल फिजिक्स जिसमें बेसिकली मोमेंटम कंजर्व कराओ कैनेटिक एनर्जी कंजर्व कराओ और उसके बाद तुम बोलो कि हाँ भाई हाँ मतलब तो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मेरा मैथ्स गलत हो गया यहाँ पे, <laughs> जो भारी बॉल है वो ज़्यादा दूर चली जा रही है बट <laughs> एनी anyway, मतलब जस्ट वॉट फ्रंट एंड माइट लुक लाइक अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो एनी वे होपफुली एक क्लियर पिक्चर होगी कि क्या हो सकता है या क्या करते हैं राइट right. और कोई क्वेश्चंस नहीं हेलो नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं।, नहीं, कुछ नहीं।, नहीं, कुछ नहीं। cool. तो अब हम लोग एक एक करके चीजें डिस्कस करते जाते हैं हम लोग आते हैं अपने पुराने कोड पे और मैं तुम लोग का कुछ आईडी सेटअप के बारे में बता देता हूँ बिकॉज़ uh, मतलब जापनीज़ वे ऑफ थिंकिंग इज़ वी आर कारपेंटर्स और हमारे टूल्स सही होने चाहिए नहीं तो हम काम नहीं कर सकते वेर इज इट प्रोजेक्ट बॉक्स राइट सो हमारा टूल क्या है हमारा टूल है हमारा आई जो कि हम वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ ट्राई करो वी एस कोड यूज़ करने का बिकॉज इट्स गुड ठीक है मतलब वेब स्टॉम वगैरह करना चाहो कर लो लेकिन मतलब आई वुड रिकमेंड दिस ठीक है सेकेंडली विल नीड सम एक्सटेंशंस टू हेल्प यू आउट तो एक्सटेंशन इसके फ्री हैं ऐसा कुछ है नहीं तो एक्सटेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट पेयर इंस्टॉल कर लेना ये नोट डाउन कर लो कहीं चाहो तो ठीक है ब्रैकेट पेयर इंस्टॉल कर लो um, ई एस लेंट इंस्टॉल कर लो गेट लेंस चाहो तो कर सकते हो ऑप्शनल है ठीक है एक सेकेंड या yeah. उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट ठीक है ये इंस्टॉल कर लेना प्लीज़ जुपिटर uh, यार मैंने हटाया था चलो कोई बात नहीं इसको मत करना प्लीज़ ठीक है प्रिटियर uh, इंस्टॉल कर लेना क्या है मैं एक एक करके बता रहा हूँ और, और, और वी एस VS वी एस कोड स्टाइल कॉम्पोनेंट्स ये कर लेना ठीक है क्योंकि हम स्टाइल कॉम्पोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो थिंक सही रहेगा ये आ, बाकी तुम्हारे थीमिंग और आइकन्स के लिए तुमको क्या पसंद है तुम्हारी मर्जी है आ, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं लेज़र वेव यूज़ कर रहा हूँ और आइकन्स के लिए मटीरियल आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ तो अगर तुमको सेम ऐसा ही रखना है तो मतलब वो कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट ठीक है बाकी इतना कर लो तो यू शुड बी लाइक गुड टू गो तुमको सारे लाइक इंटेलिजेंस वगैरह मिलता रहेगा जैसा चाहिए है ना ओके okay, अब ये स्लिंट प्रिटीयर टाइप ये सब कर क्या रहे हैं वो बताते जाता हूँ मैं ब्रैकेट पेयर कुछ नहीं है यार मतलब ब्रैकेट पेयर बेसिकली इस चीज़ के लिए ये जो येलो लाइन आ रही है ना तो जब मल्टीपल नेस्टेड कोड होगा तो बहुत इजी हो जाएगा देखने के लिए तुम्हारे लिए कि क्या किस ब्रैकेट पे काम कर रहे हो तुम ठीक है सेकेंडली यस लिंट लिंटिंग मतलब होता है कि कोड को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना ठीक है तो तुम जब कोड लिखोगे मैं जब कोड लिखूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे और हम लोग का कोड अलग अलग दिख रहा है मतलब दिस इज दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड प्रोजेक्ट जहाँ पे दो पर्टिकुलर डेवलपर्स के कोड में तुम डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ ठीक है सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और यू विल बी टेम्पटेड कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ बाकी सब डम है तो मैं बहुत स्मार्ट कोड लिखूंगा मैं इफ इफ एल्स को एक लाइन में लिख दूंगा ठीक है मैं सेमी कॉलर नहीं डालूंगा वो सब स्मार्टनेस अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो इफ़ यू वांट बट जहाँ सब स्मार्ट नहीं है वहाँ पे तुमको सबके साथ काम करना है वो स्मार्टनेस एक्चुअली ठीक है तो आ, देखो बाकी लोग कैसे कोड लिख रहे हैं उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करो पैटर्न को जितना क्लोजली फॉलो कर सकते हो उतना लाइफ ईजी रहेगा सबके लिए जैसे कि जैसे कि यहाँ पे ऐप शेल में मैंने वो इंडेक्स फाइल वाली जो बात बोली थी ठीक है ये कुछ लोग नहीं करते हैं कुछ लोग इंडेक्स डॉट टी एस नहीं लिखते हैं वो लोग डायरेक्टली इसी में लिख देते हैं और तो, मतलब इंपोर्ट करते टाइम ऐप शेल shell करके लिखते हैं तो हम नहीं चाहते हैं वैसा करना बिकॉज रीज़न hmm, तो वही है यार कि मतलब इट लुक्स बेटर और मैंने यही सीखा है तो मैं भी चाहूँगा तुम लोग फॉलो करो सिंपल बाकी आगे तुम लोग किसी और को सिखाओ तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो चीजें एज यू वा तो ई एस लेंट करता क्या है कि तुमने जब कोड लिखा ठीक है लेट्स से ठीक है मैंने मान लो ऐसे मेरा मूड हुआ मैंने ऐसे कोड लिख दिया ठीक है इंडेंटेशन नहीं है कुछ नहीं है ठीक है मान लो इस ब्रैकेट को मैं ऐसे कर देता हूँ चलो कुछ भी uh, कर sir? सर अभी मुझे एक्चुअली मेरे मेंटर का मैसेज आ रहा है तो अभी मुझे जाना होगा थैंक यू गॉड गॉड थैंक यू बाय बाय कूल बाय तो ईएस लेंट में बेसिकली व्हाट यू डू इज ईएस लेंट तुम अगर चला दोगे तो इट विल होल्ड ऑन यप सो फॉर्मेट एंड ईएस लेंट अगर तुम चलाओगे तो बेसिकली इट विल अगेन अरेंज इट बेस्ड ऑन जो भी तुम्हारा ईएस लेंट कॉन्फिगरेशन अपरेटयर कॉन्फिगरेशन है ठीक है लिंटिंग क्या है समझ आ गया ना यस नो यस सर ठीक है प्रिटियर भी समथिंग सिमिलर ठीक है मतलब दोनों साथ में ही काम करते हैं uh, कभी कभी ओवरलैप कर सकता है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है उसके लिए अलग जुगाड़ है बट लाइक दे वर्क इन कंजंक्शन बेसिकली ये प्रिटियर प्रिटी मच डूइंग द सेम थिंग उसके बाद वी एस कोड स्टाइल uh, कंपोनेंट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि तुम जो स्टाइल्स लिख रहे हो वो एक्चुअली सी फाइल में नहीं लिख रहे हो तुम एक जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख रहे हो है ना तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि इसको हाईलाइट कैसे करना है <coughs> मतलब तुमको जो टाइप कंप्लीशन देगा वो तो जावा के हिसाब से देगा ना और जावा में ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो कैसे होगा तो उसके लिए लोगों ने अलग एक्सटेंशन लिख रखा है ताकि तुम ये सब कर पाओ है ना तुम यहाँ पे अगर हाइट लिखना शुरू करोगे तो उसको पता चल जाएगा तुम हाइट लिख रहे हो ठीक है ये अगर मैं ये चीज़ नहीं रखता तो काम नहीं करेगा कुल आ, कोई एक्सटेंशन मैंने छोड़ तो नहीं दिया कुछ छोड़ा है क्या मैंने टाइप hmm. स्क्रिप्ट यस तो ये तो बेसिकली वही है यार मतलब टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्वर है तो टाइप स्क्रिप्ट टाइप कंप्लीशन वगैरह के लिए चाहिए होगा तुमको तो आ, ये ये सारे एक्सटेंशन काम कैसे करते हैं ये काम ऐसे करते हैं कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के रूट में ना देर विल बी सर्टन फाइल्स जो इनको गाइड करती हैं कि क्या करना है ठीक है जैसे टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्वर इस टी एस को पढ़ता है और इस टी एस में लिखा होता है कि उसको क्या करना है ठीक है मतलब इसमें अगर टारगेट ई एस फाइव लिखा है तो वो ई एस फाइव के हिसाब से कोड को कंपाइल करेगा और तुमने अगर कुछ गड़बड़ लिखा है तो बताएगा ठीक है सिमिलरली जैसे यहाँ पे डेकोरेटर नहीं है शायद ठीक है जैसे मान लो डेकोरेटर इनेबल्ड नहीं है डेकोरेटर इनेबल्ड नहीं है ना तो तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक लैंग्वेज फीचर होता है जो जिसको डेकोरेटर बोलते हैं अब वो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स है अभी टाइप स्क्रिप्ट में तो वो इनेबल्ड नहीं है तो तुम यूज़ नहीं कर सकते तुमको अगर इनेबल करना है तो यहाँ पे जाके तुमको मतलब अलग से इनेबल करना होगा कॉन्फ़िग में समझे तो बेसिकली अगर तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फीचर है जो तुम चाहते हो तो वो सारी मॉडिफिकेशंस टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड यहाँ पे होंगी अभी यहाँ पे ई एस लिंट इनका कहाँ होता है मुझे नहीं पता यार मतलब रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप कहाँ छिपा के रखता है ई एस लिंट एव नो आइडिया तो मैं तुम्हें अपना कस्टम बिल्ड ही दिखा देता हूँ ठीक है क्योंकि आई प्रेफर कि मतलब मैं अपना कॉन्फिगरेशन खुद लिखूं बिकॉज मेरे को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं तो जैसे यहां पे तुमको टी एस कॉन्फिक दिख जाएगा ठीक है इसमें जैसे ऐसा कुछ स्पेशल तो इसमें नहीं लिखा है मैंने ठीक है उसके बाद सिमिलरली प्रिटियर आर सी हो गया ये तुमको बताएगा कि प्रिटियर क्या करने वाला है यह प्रिटियर को तुम बोल रहे हो कि प्रिटियर को क्या करना है तुम्हारे प्रोजेक्ट में सेमीकोलन चेक करना है, है कि नहीं वो चेक कर, करता रहेगा इसको अगर फॉल्स कर दूंगा तुम बिना सेमीकोलन लिखे निकल सकते हो ठीक है टैब विथ टू टैब दबाओगे तो दो स्पेस के बराबर टैब आएगा ठीक है सिमिलरली प्रिंट विथ तो ये तुम्हारा बताता है कि तुम ऐसे लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो ठीक है एक सर्टन लेंथ के बाद वो फिर तुमको एरर दे देगा कि ये लेंथ क्रॉस कर गया है ठीक है तो वो उस टाइप की चीज़ें हैं मतलब तो वैसे ही सिंगल कोट यहाँ पे इस फाइल में स्पेसिफिकली डबल कोट यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रिटियर इस फाइल को चेक नहीं कर रहा है बट तुम्हारे बाकी कहीं भी कोड में जो एक्चुअल कोड है सोर्स कोड है उसमें कहीं भी तुमको डबल कोट नहीं मिलेगा क्योंकि सिंगल कोट ट्रू है ठीक है इस टाइप की चीज़ें हैं बेसिकली और ई एस लेंट आर सी भी सिमिलर ही है इसके लिए अलग अलग रूल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जिनको तुम एक्चुअली इंस्टॉल कर सकते हो एन पी एफ मॉड्यूल के हिसाब से और उनको भी फिर तुम यूज़ कर सकते हो तो जैसे ए आर बी एन बी का अगर नाम सुनाओ उस कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ रूल्स लिखे हैं जावा और टाइप के लिए मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने इंस्टॉल कर लिया और उसको यूज कर लिया यहाँ पे ठीक है मेकिंग सेंस सो फार ओके अब तुम लोग को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तो नो मैटर हाउ फैंसी द प्रोजेक्ट लुक्स ठीक है एट द एंड ऑफ द डे इट इज मतलब फ्रंट एंड जैसे पहले काम करता था आज भी वैसे ही काम करता है मतलब बहुत आ, काम करता है इन सेंस कि अभी भी होगा यही कि अच्छा सॉरी स्क्रीन यस तो जैसे अभी भी तुम्हारे पास एक एस फाइल होगी उसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग तुमने लिख रखा होगा उसके अंदर एक स्टाइल टैग डाल रखा होगा और कुछ कुछ तुमने बॉडी में लिख रखा है ठीक है हेड में टाइटल डाला है जो भी किया है और ये कैश्टीमल फाइल है अगर स्क्रिप्ट टैग किसी एक्सटर्नल रिसोर्स को कॉल कर रहा है मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल कर रहा है तो वो फैच होगी वो इम्प्लीमेंट होगा इसमें यूज़ होगा बेसिकली सिमिलरली uh, अगर कोई एक्सटर्नल सी फाइल कॉल की है तो वो आएगा फिर स्टाइल सप्लाई होंगी जो बॉडी होगा उसके बेसिस पे तुम्हारा वो स्ट्रक्चर बनेगा है ना ये पहले भी ऐसा काम करता था आज भी ऐसा करता है तुम अगर ऐसे इम्पोर्ट और ये सब देख के अगर तुम सोच रहे अरे बाप रे क्या हो रहा है तो प्लीज़ मतलब घबराओ मत क्योंकि अंडर द हुड हो क्या रहा है हम लोग बंडलर्स यूज़ करते हैं हम लोग अभी फ्रंट एंड इतना आगे आ चुका है कि हम अब बंडलर्स यूज़ करते हैं बंडलर करता क्या है अगेन मेरे को कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि सी आर ए सब कुछ छिपा देता है ताकि तुमको देख के ये सब टेंशन ना लेना पड़े बट कभी कभी पता होना अच्छा होता है तो जैसे कि मेरा ये क्रोम एक्सटेंशन था क्रोम एक्सटेंशन क्या था वो भी दिखा देता हूँ ये था मेरा क्रोम एक्सटेंशन होपफुली चल जाए जब yep. दिख रहा है ना अरे वो यार बेटर बैकग्राउंड पे दिखाता हूँ हाँ अब दिख रहा है ना यस yes, सर तो ये क्रोम क्रोम एक्सटेंशन क्या था कैगल का नाम सुना है क्या तुम लोग ने yes, तो कैगल पे यार मैं पार्टिसिपेट करता था तो उसमें होता क्या था ना यार मेरे को बार बार जाके देखना पड़ता था कि कौन सा कंपटीशन आया है नहीं आया है ठीक है तो मैंने ये एक्सटेंशन बना दिया वैसे अपने लिए ही बनाया था कि मैं जाके लिस्ट यही से देख पाऊँ मुझे वो साइट खोलने की ज़रूरत ना पड़े ठीक है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है और मुझे अगर कोई स्पेसिफिक साइट का मॉनिटरिंग करना होता है ना तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ अपने मोनीटर लिस्ट में ठीक है मोनीटर लिस्ट में क्या होता है तुम या मोनिटर लिस्ट में जाओगे तो वो स्पेसिफिक साइट्स जो तुम कॉम्पटिशन uh, जो तुम ट्रैक कर रहे हो उनके रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा आता है जैसे तुम्हारा स्कोर uh, क्या था क्या चल रहा है हाई स्कोर क्या है कौन कौन सी टीम टॉप पे चल रही है ठीक है फिनिश डेट वगैरह के हिसाब से ये तुम्हारा प्रोग्रेस बार चल रहा है दिख रहा होगा है ना और तुम अगर इस पर जाओगे तो एक ग्राफ भी आता है कि टीम किस हिसाब से बढ़ रही है और स्कोर किस हिसाब किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है टीम्स का हाई स्कोर है ना तो जैसे अगर मैं कोई नया कॉम्पिटिशन लूँ तो इसमें देखोगे टीम्स बढ़ते जा रही हैं ग्राफ में और जो ये स्कोर प्रोग्रेशन है तो एक सर्टन स्कोर तक था उसके बाद स्कोर इंप्रूव हुआ है ये नीचे जाने का मतलब इस कंपटीशन में डेफ़िनेटली स्कोर जितना मतलब वो नंबर जितना कम होगा स्कोर उतना अच्छा है बेसिकली ठीक है तो इस टाइप की चीज़ें बना ली मैंने और होम पेज में बेसिकली यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं न्यूज़ टाइप का जैसे कि इस कॉम्पिटिशन का स्कोर चेंज हुआ है है ना एक्टिव कॉम्पिटिशन कितने चल रहे हैं कौन से कितने कॉम्पिटिशन्स मैं वॉच कर रहा हूँ कोई समझ रहा हूँ ना क्या है मतलब बेसिकली यस सर तो तुम लोग अगर चाहो इवेंचुअली तुम लोग भी ये सब बना सकते हो अपने लिए कोई भी टूल जो भी तुम तुमको अच्छा लगे ओके तो कहाँ था मैं Yep. हाँ uh, huh. तो अभी जैसे होता क्या है बंडलर क्या करते हैं जैसे बंडलर एक बंडलर वेब पैक है वैसे एक बंडलर ई एस बिल्ड है वैसे एक बंडलर रोल रोलअप है ऐसे तरह तरह के बंडलर हैं कोई एक यूज़ कर लो काम हो जाएगा बंडलर में तुम लिखते हो कि तुमको कैसे बंडल करना है बंडल का मतलब क्या है यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो ना ये इतने सारे फाइल्स हैं फिर इधर से इम्पोर्ट उधर से इम्पोर्ट ऐसे होते जा रहे होते जा रहा है ना पर तुम जब नॉर्मली एच डी एम एल सी एस एस जाओ लिखे होगे तो एक स्क्रिप्ट टैग होगा उसमें कोड लिखोगे बहुत तुमको स्प्लिट करने का मन हुआ तो दो स्क्रिप्ट टैग होगा एक के बाद एक ठीक है यही करते हो ना यस yes. तो हो तो अभी भी वही रहा है कैसे हो रहा है होता क्या है कि ये तुम अगर नोटिस करो दिस इज बेसिकली अ ट्री जो इंडेक्स डॉट टी से स्टार्ट हो रहा है और वेबपैक में भी तुम अगर नोटिस करो तो वेबपैक में तुम बोलते हो एंट्री क्या है ठीक है मतलब जैसे अगर पॉपअप वाला दिखाऊँ तो सोर्स इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है सोर्स इंडेक्स में अगर तुम जाओगे राइट right, तो तुम देखोगे कि इसने ऐप को इम्पोर्ट किया इसने कुछ और भी इम्पोर्ट किया है नोट मॉड्यूल से ठीक है ऐप को इम्पोर्ट किया ऐप में जाओगे ऐप में देखोगे दस दस फाइल और इम्पोर्ट हुई हैं उनमें जाओगे तो और फाइल्स इम्पोर्ट हुई है होते होते इवेंचुअली दिस बिकम्स अ ट्री ठीक है मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो ना या ड्रॉप तो ये जो ट्री है गॉड यार हर बार पासवर्ड क्यों मांगता है, सॉरी हम्म, hmm. तो <coughs> तो ये जो ट्री है इसको क्या करेगा वो एक सिंगल बंडल फाइल में कन्वर्ट कर देगा और उस बंडल में मतलब पूरा जावास्क्रिप्ट होगा मतलब पूरा बड़ा सा एक फाइल होगा जिसमें जावास्क्रिप्ट होगा ठीक है और ये अगर तुमको देखना है तो तुम यहां देख सकते हो कि इंडेक्स डॉट टी एम एल है इसमें एक स्क्रिप्टैग है ये पॉपअप डॉट जे जो है ये पॉपअप डॉट जे वेब पैक से जनरेट हुआ है तुम तो अगर आउटपुट फाइल का नाम नोटिस करो तो मैंने बोला है कि भाई पॉप डॉट जे नाम का बनाना फाइल जो भी बनाओगे इसको यूजली लोग बंडल डॉट जे के नाम से भी डाल देते हैं कन्वीनियंस के लिए तो मैंने पॉपअप डॉट जे डाल दिया क्योंकि मेरा ये पॉपअप का कोड था तो अगर तुम नोटिस करो यहाँ पर एक पॉप डॉट जे बन के भी आया है और ये अगर तुम देखो तो है भाई ये बहुत बड़ी फाइल है ठीक है इसमें वेब पैक अपने हिसाब से मिनिफिकेशन वगैरह करता है ठीक है ये वैसे मिनिफाइड नहीं है ये प्रोडक्शन बिल्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली बट जो भी है यू गेटिंग इट है ना तो सिमिलरली uh, मतलब जो भी तुम्हारा uh, अब तुम पूछोगे कि यार स्टाइल शीट का है ठीक है तो सिर्फ ये स्टाइल शीट तो नहीं होगी ऑब्वियसली मतलब इतना सा स्टाइल तो नहीं है पूरा कोड में तो स्टाइल शीट की अभी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तुम जावा स्ट्रिप्ट में स्टाइल्स लिख सकते हो और जावा स्ट्रिप्ट डॉम ईपीएस यूज करके स्टाइल्स अप्लाई कर देगा तुम्हारे लिए ठीक है तो तुम स्टाइलिंग जावा स्ट्रिप्ट एच टी एम एल भी सब कुछ जावा स्ट्रिप्ट से कर सकते हो और वही कर भी रहे हैं आज के टाइम में क्लाइंट साइड कोड में वही होता है गेटिंग इट यस सर इसीलिए तुम्हारे ये पूरे इसमें जो अच्छा वो जो चीज़ तुमको बोल रहा था मैं ये दिख रहा है ना बस इतना ही है Yes. बाकी जो भी काम करना है वो स्क्रिप्ट टैग करेगा तो स्क्रिप्ट टैग क्या करेगा ये शिट आ, ये इसमें मैंने बोला कि डॉक डॉक्यूमेंट डॉट डौक्य। क्वेरी सेलेक्टर रूट रूट पे जाओ और ये ऐप का जो भी तुमने लॉजिक समझा है अभी तक उठा के चिपका दो इस पर ठीक है तो ये जाएगा ये रूट टैग उठाएगा सॉरी रूट आईडी उठाएगा और इसके अंदर सब कुछ फिल कर देगा डोमेबिया यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट फ्रेगमेंट ये सब यूज करके पूरा का पूरा भर देगा समझ आया क्या हो रहा है है yes, है तो ये ये अंडर द हुड कैसे तुम्हारा एप्लीकेशन एक्चुअली चलता फ्रंट एंड का इसलिए मतलब तुमको ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब वहां पे क्या हो रहा है बंडलर क्या कर रहा है सीआरए तुम्हारे लिए तुम ऑलरेडी बना के दे दिया है लोगों ने मतलब आ, कि भाई तुम बस एक क्रिएट रिएक्ट ऐप करो तुम्हारा सब कुछ रेडी बस तुम कोड लिखना शुरू करो सोर्स से बाकी और कुछ सोचना ही नहीं है तुमको इवेंचुअली जब और थोड़ा तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे तुमको इस टाइप की हरकतें करनी पड़ेंगी तो तुम आओगे कि भाई मुझे खुद सेटअप करना है तब पढ़ोगे तुम वेबपैक कैसे चलाते हैं क्या करते हैं क्या कॉन्फिग्रेशन होता है ठीक है अपने हिसाब से मॉडिफाई करोगे चीज़ों को तो मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस बट धीरे धीरे आएगा वो ठीक है ओके तो ये तो हो गया कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है हम लोग ने आईडी अपना डिस्कस कर लिया टूल चेन वगैरह सब डिस्कस कर लिए हैं अंडर हुड फ्रंट एंड कैसे काम करता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन रोड मैप में भी अब क्या जानना है बताओ अब क्या डाउट्स है स्पेसिफिक टू द कोड या इन जनरल कुछ भी अगर पूछना है तो कोई क्वेश्चन यार कोड कोड देख लिया क्या तुम लोग ने सबने यस सर कोड देख लिया अभी तो कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं है ना मतलब ऐसा कुछ नो सर एज सच लैंग्वेज भी फिगर आउट हो रही है इनफैक्ट mm -hmm. मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन तब भी मेरे को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ओके okay. मैं थोड़ा बहुत एडिट भी कर पा रहा हूँ मेरे को जस्ट एक डाउट था mm -hmm. ये चिल्ड्रन नोटेशन के बारे में मैं पढ़ रहा था mm -hmm. लेकिन एज सच मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बेसिकली आपने उस टाइम नैव में सिर्फ नेविगेशन दिखा था mm -hmm. और जो था पे सिर्फ डाला हुआ है लेकिन hmm. मैंने उसमें जा के शायद index file में जा के करके करके लिखा तो था लेकिन hmm. मेरे को समझ में आया कि children notation है तो तो कैसे डालेंगे content stage पे ओके <coughs> <Okay. coughs> तो एक हिंट तो ये है कि तुम तो अगर चिल्ड्रन का टाइप नोटिस करो तो इट तो इज रियक्ट डॉट रियक्ट नोड ठीक है तो इसका मतलब है चिल्ड्रन कैन रिप्रजेंट एनी काइंड ऑफ रिएक्ट एलिमेंट ठीक है और ये जो चिल्ड्रेन प्रॉप होती है ये एक रिजर्व प्रॉप होती है जो रिएक्ट यूज करता है जैसे तुम्हारे सी पी पी में दे रहा है रिजर्व की वर्ड्स जैसे तुम किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते हो आई गेस नहीं रख सकते हो हाँ, हाँ ये, तो ये। वैसे ही तुम चिल्ड्रन प्रॉप को यूज नहीं कर सकते हो ये रिएक्ट यूज करेगा खुद से ठीक है तो ये करता क्या है कि तुमको अगर uh, कोई ऐसा कॉम्पोनेंट लिखना है जो किसी और कॉम्पोनेंट को रैप करता है ऐसा सिचुएशन क्यों आएगा अगर तुमको कोई कंटेनर लिखना है ठीक है एक कंटेनर लिखना है जो कुछ नहीं करता एक बैकड्रॉप देता है ठीक है एज्यूम कर लो बैकड्रॉप देता है और कुछ नहीं करता है या बैकड्रॉप ही छोड़ो यार ब्लर फिल्टर लगाता है हमारा रैपर भी तो यही कर रहा है ठीक है तो अगर मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट करना होता ना मतलब अगर मुझे ऐसा इसमें कुछ और एडिशनल करना होता तो मैं एक्चुअली Uh, ये ऐप शेल रैपर को अलग से कॉम्पोनेंट लिखता उसमें मैं चिल्ड्रन ऐसे डालता और चिल्ड्रन को फिर मतलब इस टाइप से करता देखो फंक्शन <coughs> hmm. ये ऐसे जावा स्ट्रिप लिख रहा हूँ मैं ठीक है चलो मान लो ये पैडिंग ही दे रहा है ठीक है कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करते पैडिंग फोर अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फोर पिक्सल नहीं लिख सकते हैं फोर पिक्सल स्ट्रिंग में लिखना होगा ठीक है और यहाँ पे इसको बोल दिया चिल्ड्रन अब एप्शल रैपर को अगर दो मिनट के लिए ये अज्यूम करो ये चीज़ है ये एप्शल रैपर तो होगा क्या एप्शेल रैपर अपना चार पिक्सल पैडिंग लगाएगा और जो भी इसके अंदर रैप किया है मैंने यहाँ पे उसको एज इट इज लगा देगा यहाँ पे ठीक है ओके सर सो दिस बेसिकली लेट्स मी क्रिएट दीज शेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे तुम्हारा ऐप शेल ही है अपना ये एपशेल में ये जो चीज़ करने को मिला मेरे को कि मैं ऐपशेल से रैप करूँगा जो भी कंटेंट को मेन कंटेंट को वो यहाँ पे शो होगा अलॉन्ग बार ये मैं तभी कर पा रहा हूँ कि मैंने एडिशनल प्रॉपर्टीज डालने के लिए एडिशनल फीचर्स डालने के लिए मैंने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि मतलब रैप तो करना ही है पर मुझे बैकड्रॉप भी डालना है मुझे नेफबार भी डालना है और वो कंटेंट भी दिखाना है जो मैं एप्शल को एप्शल जिसको रैप कर रहा है तो मतलब चिल्ड्रन नोटेशन एक तरीके से कंटेंट को पॉइंट करता है हाँ जो भी जिस भी चीज़ को तुमने अपने पर्टिकुलर रिएक्ट कंपोनेंट से रैप किया है हुँ. वो कंटेंट एज चिल्ड्रन आ जाएगा ओके सर ठीक है ओके okay, और ठीक है हुँ. और क्वेश्चंस एनीथिंग एल्स पूछो यार मतलब कोई डम क्वेश्चन नहीं है यार अभी नहीं पूछोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी मुझे क्वेश्चन oh, sure. हम्म पूछो इसके पहले जब हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे तो उसको डॉट TSX एक्सटेंशन से सेव किए थे बट uh -huh. अभी स्टाइलड uh, कंपोनेंट को डॉट TS एक्सटेंशन से क्यों सेव कर रहे हैं तो आ, मैंने बोला था कि जब हम जे एस एक्स यूज़ करेंगे तब हमको स्पेसिफिकली बोलना है कि ये फाइल में जे एस एक्स है जे एस एक्स क्या है जे एस एक्स ये सिंटैक्स है ये जो तुमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एच टी एम एल लिखा है ना एच टी एम एल टाइप चीज़ें लिखी हैं दिस इज़ जे एस एक्स ठीक है क्या हमारे स्टाइल्स में कहीं ऐसा कुछ है नहीं है ठीक है इसलिए हम जे एस एक्सी वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं अब मैं यूजुअली अपने ई एस लेंस में क्या करता हूँ मैं अपने मतलब दिखाता हूँ तुमको ओ अच्छा मैं भूल गया एक चीज़ बताना तुम लोगों को तो इसमें कुछ हैंडी शॉर्टकट्स हैं जो तुम लोगों को याद रखना चाहिए अपने वी एस कोड में एक तो है कि कंट्रोल आई होप तुम लोग मैक यूज नहीं कर रहे हो कर रहे हो क्या नहीं नहीं कर रहे हो ठीक है अच्छी बात है नो no, सर तो कुल 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 तो कंट्रोल शिफ्ट पी से तुम्हारा कमांड पैलेट खोलता है बेसिकली तो इसमें अगर तुमको कमांड्स याद हैं तो यहां से तुम जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड्स किस टाइप के यूजुअली जो हैंडी होंगे वो है ये ई ए स्लेंट फिक्स ऑल ऑटो फिक्सबल प्रॉब्लम्स ये format सॉरी format format डॉक्यूमेंट ठीक है ये आ, उसके बाद सेटिंग्स अगर खोलनी यू आई सेटिंग्स वगैरह यही से खुल जाती हैं तो तुमको मतलब जितना कम ये सब चीज़ पर रिलाई करो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए वर्ड रैप वगैरह ऑन ऑफ करना है ठीक है तो बस इतना लिखो ओह वर्ड रैप इंटरेस्टिंग आ क्यों नहीं रहा एनी anyway, वे तो ये हो गया तुम्हारा कमांड पैलेट ठीक है फिर तुम्हारा है कमा कंट्रोल पी कंट्रोल पी से तुम अपने करेंट प्रोजेक्ट में जैसे मतलब तुम अगर कभी प्रोजेक्ट खोलते हो तो प्रोजेक्ट हमेशा मतलब प्रोजेक्ट के रूट से खोलोगे ना तो कंट्रोल के ओ दबाने पे तुम जैसे अगर यहाँ से खोलोगे तो ओपन ओपन फोल्डर ये कंट्रोल के ओ ठीक है तो कंट्रोल के ओ करके तुम जो भी अपने प्रोजेक्ट में जा रहे हो उसको प्रोजेक्ट रूट से खोलो तो मेक श्योर sure कि ये जो है ना वो दैट दैट इज़ द प्रोजेक्ट रूट मतलब ये मत कर देना यार मतलब ये मत करना ठीक है मतलब इसको कुछ फिर समझ नहीं आएगा आईडी को करना क्या है मतलब कुछ ई एस लिंट नहीं टी एस नहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा इसको ठीक है तो ये ढंग से खोलना पहले तो ये ध्यान रखना और आ, फिर इसके बाद तुम कमांड पी सॉरी कंट्रोल पी यूज़ करके कोई भी फाइल का नेम तुम फजी सर्च कर सकते हो तो जैसे ऐप डॉट टी एस एक्स स्टाइल्स ऐसे लिखूंगा तो स्टाइल वाली आ जाएंगी ठीक है ये एक चीज़ दूसरी अगर कंट्रोल टी लिखते हो तो तुम फंक्शन नेम क्लास नेम जो सिंबल्स होते हैं उनसे सर्च कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉप ठीक है समझ आ रहा है ना तो ये सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखना काम आ जाएगा आ, <coughs> या hmm, yeah. तो तुमको मैं ई एस लिंट का दिखा रहा था कि जैसे अगर मुझे खुद का ई एस लिंट लिखने मिलता है तो मैं ई एस लिंट में जाओ इसमें hmm, अच्छा इसमें पहले से डिजेबल्ड होता है इंटरेस्टिंग hmm, ठीक है तो बेसिकली डिजेबल्ड मतलब इस सेंस में कि मतलब तुम अगर जावा सॉरी जे अगर तुम किसी नॉर्मल टी फाइल में लिख दोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा कि टीएसएक्स में ही लिखना है ठीक है समझ आ गया ना ओके okay. और कोई क्वेश्चन नो सर ठीक है तो आप कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं यार प्रोजेक्ट रिलेटेड है ना ये अभी भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ही है बट अकॉर्डिंग टू सम डिस्कशंस दैट आई एव बिन हैविंग और जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक तो हमारा मतलब कुछ कंसर्न्स तो आई गेस मतलब सॉल्ड प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करना उतना इश्यू नहीं है मतलब तुम अपने अपने मॉड्यूल्स पे काम करते रहो अपना जो भी तुमको बनाना है ऑथ हो गया या सेटिंग्स हो गया जो भी है ये सारी चीज़ें एक्चुअली सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक है अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तो फायरबेस के साथ कैसे करोगे वो सब देखना शुरू कर दो ऑलरेडी अपने अपने टिकट्स पे उनको डॉक्यूमेंट करते जाओ कि तुमने क्या पढ़ा है तुम कैसे करोगे उसको एक अप्रोच बताओ मैं फिर उस पर देता हूँ अपना इनपुट कि हाँ ये सही है या कुछ और किया जा सकता है उसके अलावा कैनवास पे जो बात हुई है तो आ, कुछ पढ़ा है क्या तुम लोग ने कैनवास के बारे में या क्या है क्या होगा नहीं होगा यस yes, नो no. कैनवस so can... sure, पे तो नहीं पड़ा अभी ओके ऑलराइट सो गिवन मेरा ये शिटी सा प्रोजेक्ट जो दिखा रहा था मैं इतने देर से इससे कुछ इनसाइट्स मिली है मुझे ठीक है इनसाइट्स ये मिला है कि जैसा कि मैंने बोला दिस इज बिट मैप ठीक है तुम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक <laughs> है तो हम ड्रॉ ही कर रहे हैं मतलब हम हम भी यही कर रहे हैं ये जो ड्राइंग चल रही है यही करने वाले हैं हम ठीक है तो हमारे लिए चैलेंज क्या है मतलब यूज़र ऐसा लाइन खींचेगा मेरे पास ऑलरेडी माउस का मैंने कोड लिख लिया है कि मैं माउस हिलाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कैनवस पे कहाँ पे वो एक लाइन ड्रा करने में कितनी मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है तो मुश्किल है कहाँ पे मुश्किल यहाँ पे है कि यार यूज़र पहली बात लेयर्स में काम कर सकता है पहला प्रॉब्लम तो ये है अपने पास ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक चैलेंज है ठीक है दूसरा यूज़र के पास रीडू एंड अंडू का ऑप्शन है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि अगर यूज़र ने ऐसा लाइन खींचा कैनवस पे, ठीक है कैनवस पे मैंने कमांड चलाया लाइन टू जो भी है मतलब और यू कैनवस ने पेंट कर दिया है ये बिट मैप बन गया यूज़र ने एक और लाइन खींची कुछ और लाइन खींचा अब यूज़र अंडू दबाता है ठीक है मुझे बताओ क्या होगा और कैसे होगा कुछ कुछ मेरे को एक वो दो मतलब कुछ भी ऐसा करो कुछ भी बोलो सर जो मतलब जहां से उसने लाइन खींचना शुरू किया है जब नहीं? तक उसने माउस छोड़ा नहीं अपना नहीं? वहां तक का एरिया डिलीट हो जाएगा और जो शायद कुछ आर्टिकल भेजा था आपने नहीं? उसके हिसाब से कुछ एरे रिलेटेड होता है कि एक जो एरे होती है वो पूरी डिलीट हो जाती है जो सेव्ड होती है डायरेक्शन सो द थिंग इज हम ये नहीं कर सकते हैं मतलब यूजर ने इतना इतना बनाया तो इतना डिलीट कर दूँ ये हो ही नहीं पाएगा उसका रीजन ये है कि जैसा मैंने बोला ये एक इमेज बन चुका है अब इस लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है दिस इज़ पार्ट ऑफ एन इमेज नो मतलब एज्यूम कि तुम पेंट कर रहे हो जस्ट मतलब इमेजिन कि तुम पेंट कर रहे हो ठीक है और मैं तुमको बोलूँ अंडू करो इसको तुमने एक लाइन खींची अपने पेंट ब्रश से मैंने बोला अंडू करो कैसे करोगे <laughs> कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो <laughs> No, sir. तो होता no, sir. क्या है कि तो एक बार अगर कैनवास पे कमांड चल गया है तो देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन ये है कि हमारे पास एक एरे ऑफ कमांड्स हैं और रैदर स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे ठीक है हर यूजर स्ट्रोक पे ये अपेंड होता जाएगा यूजर ने एक लाइन खींची एक बना एक और लाइन खींची एक और ऑनलाइन खींची एक और लाइन खींचा ठीक है ठीक है ना तो फिर ये होने के बाद अगर यूज़र ने बोला कि मुझे अंडू करना है ठीक है तो हम यहाँ से तो एक उड़ा देंगे एक्चुअली उड़ाएंगे नहीं इसको एक रीडू स्टैक में डालेंगे ये एक अंडू स्टैक है एक रीडू स्टैक है ये मतलब ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ मैं अभी ठीक है मतलब अभी मेरे वर्ड्स को मतलब उस पर कोट मत करना जब पढ़ेंगे कायदे से तब मैं बताऊँगा कि किसको क्या स्टैक बोलते हैं बट मतलब ये एक रीडू स्टैक है ठीक है और ये एक अंडू स्टैक है पर स्टैक से तो मूव कर दिया इमेज कैसे अपडेट होगा इमेज तो अपडेट नहीं होगा तो होगा क्या कि हमें पूरा जीरो से वापस ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है ये अभी हमारे लिए एक टेक्निकल लिमिटेशन है अनफॉर्चुनेटली कैनवास ऐसे ही काम करता है ठीक है अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकती हैं? मतलब ऐसे रैंडमली सोचो अगर ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकता है एक यूज़र इतना 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 पूरा लाइन बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है तब जाके रुका वो ठीक है क्या तुम हर पॉइंट के लिए एक कमांड बनाओगे प्रॉब्ली नहीं no, तो तुम ये पूरी लाइन के लिए कमांड बनाओगे और जब वो अंडू करेगा तो ये पूरी लाइन उड़ाओगे जैसे तुमने नॉर्मली अपने पेंट एप्लीकेशन में भी देखा होगा होते हुए मतलब तुम yes, दस चीज़ें कर लो उसके बाद कंट्रोल जेड करोगे तो वो दस चीज़ एक साथ उड़ जाती है अगर तुमने बहुत जल्दी जल्दी किया तो ठीक है तो, तो ये ग्रुपिंग जो yes, तो करनी है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह कि यार बंदा लेयर्स पे काम कर सकता है राइट तो अपने को ये डेटा स्ट्रक्चर जो ये स्ट्रक्चर है ये अपने को ऐसे डिफाइन करना होगा कि इट शुड इनकेप्सुलेट दैट डेटा तो ये डेटा क्या होगा इसको डिफाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये हमारा प्राइमरी टास्क है कि ये डेटा क्या होगा पहले तो कमांड ही है कि मतलब बंदे ने सर्कल बनाया लाइन बनाया कमांड टाइप ही मान लो चलो ठीक है टाइप <coughs> फिर मान लो हो सकता है हम चाहते हैं कि ये एक लेयर से कपल्ड हो कि ये किस लेयर में बनाया गया है क्या ये इस लेयर में बनाया गया है इस लेयर में बनाया गया है क्योंकि अगर बंदा कंट्रोल जी करेगा तो इट शुड नॉट मैटर ना कि मतलब वो कौन से लेयर पे है द थिंग इज जिस ऑर्डर में उसने ड्रॉ किया उसी ऑर्डर में अंडू होना चाहिए तो किस किस लेयर में था नहीं था तो उससे मतलब नहीं है बट द पॉइंट इज अगर वो रीड्रॉ करे तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस लेयर में बना है। और ये लेयर रखना क्यों इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलू कि ये लेयर हाइड कर दो तो क्या करोगे इस लेयर वाली आईडी के साथ जितने भी कमांड्स uh, हैं उनको एक्सक्लूड करके कर वापस ड्रॉ कर दोगे राइट right. तो इस टाइप की चीजें हैं जो हमें अभी पढ़ना बाकी है हमें अभी भी मतलब काफी आर करना है जो हम कर नहीं रहे तो प्लीज स्टार्ट एक्टिवली और जो रिडन चीजें हैं उन पे यार काम शुरू कर दो मतलब मेरा वेट मत करो यार कि मैं बताऊँ यार है ना मतलब जैसे अभी नैफ बार खाली पड़ा हुआ है तो नैफ बार के तुम आइकन्स वगैरह डालना शुरू कर सकते हो तो मेरे ये आज सब... देखा था आइकन एंड टाइल्स डालने का ठीक है मतलब काफ़ी बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है तो उसमें तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाएगा तुमको आइकन्स के लिए हर टाइप का आइकन है उसमें तो रिएक्ट आइकन्स यूज़ कर लो और एक नॉर्मल सा मतलब एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव कैसे दिखाओगे वो तुम देख लो ठीक है सिर्फ नैफ बार का मतलब तुम डाल के स्टार्ट कर सकते हो एक बंदा टिकट बना लो पीआर डाल दो ठीक है मैं रिव्यू करके अप्रूव करके जो भी करना है वो कर लेंगे सिमिलरली मैं राउटिंग का बता दूंगा प्रॉब्ली एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा कि राउटिंग कैसे करनी है उसके बाद राउटिंग करने के बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंडिविजुअल पेजेस ठीक है किसी को अगर सेटिंग्स करने का मन है तो सेटिंग्स कर लो किसी को डैशबोर्ड करने का मन है तो डैशबोर्ड कर लो ठीक है उसमें ज़्यादा से स्पेसिफिक कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स नहीं है नॉर्मल तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही है और अगर कुछ बहुत चैलेंजिंग करने का मन हो रहा है तो ये कैनवस पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहो ठीक है बाकी मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊँगा मैं ऐड करता जाऊंगा और अभी हमारा जो इनिशियल डिस्कशन हुआ है उससे ये सोचा है हम लोग ने कि ये जो कैनवस होगा दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लैक बॉक्स ठीक है मतलब ब्लैक बॉक्स मतलब वो ब्लैक बॉक्स नहीं एज एन अ बॉक्स इन विच यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ठीक है तो रिएक्ट के लिए दिस विल बी अ ब्लैक बॉक्स रिएक्ट को फर्क नहीं पड़ता हमारे कैनवस पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसका रीजन ये है तुम लोग ने रिएक्ट का पढ़ा है क्या कैसे काम करता है नो सर no, अभी जस्ट जेएस करके रिएक्ट ही कर रहे हैं तभी वाला कर भी पाऊंगा मैं okay. क्रैश देखता हूं एक लंबा मतलब okay. यार you have to get started. थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल ऐसा ही चलना है ना मतलब जस्ट अ सजेशन बहुत टाइम मत दो यस सर ठीक है तो जब पढ़ोगे रिएक्ट तो तुमको पता चलेगा कि रिएक्ट बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट करता है और स्टेट के हिसाब से वो यूआई को रेंडर या मतलब री re रेंडर करता है ठीक है ये जो री re रेंडरिंग का प्रोसेस है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए ये चीज़ें करी जाती हैं वो क्या है क्यों है वो अगेन वो अगर आर्टिकल पढ़ा हो तुमने जो लिखा था उसमें बेसिकली तुमको पता होगा कि रीपेंट करना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस तो रिएक्ट बेसिकली हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज़ इट। तो अब ब्लैक बॉक्स करने का रीज़न ये है कि वी डोंट वांट रिएक्ट टू हैंडल दिस कैनवस दैट वी आर मेकिंग क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेक्शनस हैं और अगर हम रिएक्ट को इसको री re रेंडर करने देंगे तो हमारा ऐप परफॉर्मेंट के जगह अंडर परफॉर्मेंट हो जाएगा ठीक है तो इसको पेंट करना हम मतलब अपने साइड में ले रहे हैं रिएक्ट को नहीं देंगे ये कैसे करेंगे उसका मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जब इस पर आएंगे तब मैं बता दूंगा ठीक है अब इस ब्लैक बॉक्स को कुछ ए प्रोवाइड करनी होंगी रिएक्ट को बिकॉज ये मतलब एक अलग एप्लीकेशन नहीं है ना दिस हैज़ टू वर्क विथ रिएक्ट इट हैज़ टू वर्क विथ रिएक्ट बट इट हैज़ टू मेंटेन इट्स ओन आइडेंटिटी कहने का मतलब ये तो इट हैज़ टू प्रोवाइड सम ए जो स्पेसिफिकली हमारे यूज़ केस में रिएक्ट को चाहिए होगी जैसे कि यूज़र जब सेव करेगा ठीक है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन में जो भी ये कमांड वाली चीज़ें मैंने अभी बताई हैं जो भी इसके अंदर चल रहा है इस कैनवास के अंदर वो चीज़ें सीरियलाइज होके ये सेव फंक्शन देगा रिएक्ट को ताकि रिएक्ट फिर सर्वर पे सेव कर सके जब रीस्टोर होगा ठीक है उस टाइम क्या करना है ठीक है Uh, फिर जैसे मान लो यूज़र ने बोला कि एक्सपोर्ट करना है मुझे पी एन जी तब अगेन मतलब इस टाइप के डिटेल्स वगैरह कैसे देनी है तो इसका एक ए पी आई की लिस्ट बनेगी कि हम इतने फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे अपने इस कॉम्पोनेंट से और बाकी चीज़ें हम इंटरनली हैंडल करेंगे तो वो ये जो लिस्ट होगी ये भी अपने को थोड़ा डिसाइड करना है ठीक है मतलब क्लियर हो रहा है ना मतलब एक रोड मैप बन रहा है ना दिमाग में कि अपने को क्या करना है सर yes.

अह uh, स्टेज में जाके चेंजेस करूं VS कोड के आइकंस में समझा रहे हैं uh, जैसे मतलब uh, मेरे को सपोज आइकंस इंपोर्ट करना है इंपोर्ट में आइकन नेम करूंगा तो उसमें टाइप्स आ रहे हैं कि बूटस्ट्रैप के आइकन है या फिर डिजाइन आइकन है कोई भी आइकन डिजाइन है तो बेसिकली जो मैं ये सब चेंजेस करूंगा और जो भी वो शो होंगे वो बेसिक TSX फाइल में ही करूंगा ना चेंजेस तो फिर हाई लिखा था आपने अब वहां पे मैं ये सारे कोड लिखना शुरू कर दूस तो यहाँ पे यहाँ पे, पे जैसे ये खाली है ना nav स्टेज पे खाली है ये खाली नहीं है मतलब nav डाल रखा है तो तुम क्या करोगे ideally कि तुम एक nav कॉम्पोनेंट बना के स्टार्ट करोगे सॉरी यहाँ नहीं करोगे यहाँ करोगे ठीक है सेम चीज जैसे एप्शल में कर रखी है इंडेक्स वैसे इंडेक्स वैसे चला गया है, ठीक है वो करने के बाद फिर तुम मतलब वो एज एन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट तुम बना रहे हो कि अगर मैं उसको ऐसे रखूंगा तो वो कैसा दिखेगा मतलब किया जा। exactly. Exactly. तो वो करने के बाद फिर तुम इसको यहाँ पे यूज करोगे मतलब यहाँ पे इंपोर्ट करके ऑब्वियसली और उसके बाद देखो कि कैसे चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है कि नहीं ठीक है ओके ओके ठीक है ओके ओके बाकी तो यार मतलब कुछ ना कुछ करते रहो नहीं तो फिर मतलब uh, वो नहीं होगा यार कि मतलब एकदम फिनिश्ड आइडिया हो उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कुछ गलतियां करोगे तभी मैं बता पाऊंगा यार दिस इज़ नॉट अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है ये ठीक है तो दिस इज़ मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन अप्रोच जैसे एक्चुअली होना चाहिए एजुकेशन को तो मतलब करो गलतियां करो तब मैं बता पाऊंगा कि ये गलत है इसको सही करो और वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में स्टिक भी करेगा कि मैंने यहाँ गलती की थी तो भैया ने बोला था कि ये सही करना है तो इवेंचुअली आगे तुम कभी ये गलती नहीं करोगे पर ऐसे तुम अगर पढ़ पढ़ के करोगे ना तो वो नहीं रहने वाला है तुम्हारे साथ इन्फॉर्मेशन वो ठीक है अच्छा एक टिप यार तुम लोग के लिए प्लीज़ ये गलती मत करना आ, ये गलती मैंने क्या की है यार मतलब <laughs> मेरा एक प्राइवेट रेपो है मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो और सॉरी इसमें तो शेयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने एक गलती कर दी है इसमें ये कैगल हॉक का ही है ये जो है ना इसी का कोड है ये तो शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें पता है ना जैसे मतलब तुम जैसे मान लो फायरबेस यूज कर रहे हो ठीक है या कोई भी एक्सटर्नल सर्विस यूज़ कर रहे हो तुम तो वो यूजअली तुमको एक ए की देते हैं ठीक है वो जो ए की होता है वो उसके बिना तुम इंट्रैक्ट नहीं कर पाओगे वो ए की तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है सो so दैट तुम उस सर्विस को यूज़ कर पाओ और सर्विस तुमको यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर पाए कि हाँ इस बंदे ने सर्विस खरीदी है या जो भी है मतलब ठीक है अगर वो ए की तुमने गलती से भी गिठअप पे कमिट कर दिया ना गेट्प पे वो फ़ाइल ऐड करके अगर तुमने कमिट कर दी तो वो गेटअप के हिस्ट्री में परमानेंटली सेव हो जाएगा तो ये मत सोचना कि ओवरशेट oh, मैंने अपलोड कर दिया मैं उसको डिलीट करके वापस कमिट कर दूंगा तो प्लीज़ मतलब दैट डजेंट वर्क क्योंकि वो तुम्हारे कमिट हिस्ट्री में है मतलब तुम अगर एक आध कमिट पीछे जाके अगर तुम चेक करोगे तो तुमको वो फाइल मिल जाएगा तो क्या करते हैं बॉट चला के रखते हैं और वो पब्लिक रिपोजिटरीज में ढूंढते रहते हैं उनको जैसे ही की मिलेगा उनके पास वो की चला जाएगा ठीक है मतलब उनको ऐसे आके देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ इस बंदे ने की एक्सपोज कर दिया और इसका की यूज़ कर लेता हूँ वो बॉट्स उठा के एक लिस्ट में डाल देगा और वो तुम्हारी की बेसिकली एक्सपोज़ हो चुकी है फिर हो सकता है तुम्हारे फायर बेस का बिल आ जाए एक लाख का ठीक है <laughs> तो मतलब वो सब गलतियाँ अगर हो रही हैं जैसे अभी मैंने प्राइवेट इसीलिए कर रखा है ताकि मतलब बॉट उठा ना पाए एटलीस्ट अब मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँगा वो ऐसे करूँगा कि पहले जाके मैं उस की को रिवोक करूँगा और कोई तरीका नहीं है इसको करने का ठीक है मतलब डिलीट करना इज़ नॉट एन ऑप्शन वॉट यू कैन डू इज जो भी अभी करेंटली की है उसको पहले कर दो रिवोक कि वो की अब मतलब इट्स 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 नॉट गोइंग टू फंक्शन बेसिकली तो वो बॉट उठा भी ले तो कुछ ना कुछ नहीं कर पाएगा वो बेसिकली तुमको नई की मिलेगी नई की को एक एन फाइल में डालना डॉट ई फाइल होती है या मतलब कुछ भी नाम डाल सकते हो तुम्हारी मर्जी डॉट ई फाइल में डालो और उस फाइल को गिट इग्नोर में डालो ठीक है मतलब ये चीज़ मैंने अभी अपने करंट प्रोजेक्ट में की है अपनी गलती से सीख के तो जैसे कि तुम ये env local इसमें मेरी सारी कीज़ है वो फाइल मैं अभी खोलूँगा नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है तो इस फाइल को तुम फिर कोड में एक्सेस कर सकते हो बट क्योंकि ये गिट इग्नोर में है तो ये फाइल कभी कमिट नहीं होगी और ये फाइल का तुमको एक हार्ड कॉपी रखना पड़ेगा अपने साथ ताकि मतलब किसी और कंप्यूटर पर काम करो तो जो भी है मतलब यूज कर पाओ तुम ठीक है और सिमिलरली गिटअप क्या करता है कि अब जैसे गिटअप का तुम तो अगर सी आई सी डी यूज़ करो कभी पता है ना सी आई सी डी क्या होता है नहीं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट तो उसमें होता क्या जैसे मान लो मैं अपना कोड चेंज किया जैसे मान लो मेरे ब्लॉग का ही कोड चेंज किया यहाँ नहीं है सॉरी यार मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ ठीक है मेरे बाल हैं अभी वो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में बना दिया तो एक्शन्स <laughs> एक्शंस uh, में बेसिकली क्या होता है जैसे ही तुम्हारा कोड पुश होता है ना वो एक पाइपलाइन चलाता है अपने उधर जो भी इनके कंप्यूटर्स हैं मैंने बोला था ना ये भी कंप्यूटर है इसका तुम्हारे यू दे दिया है बेसिकली तो इस कंप्यूटर पर बेसिकली एक पाइपलाइन चलती है जो तुम डिफाइन करते हो कि क्या होगा तो तुम्हारे बेसिकली वर्क फ्लो में डिफाइंड होता है कि अगर बंदे ने पुल रिक्वेस्ट मर्ज की है जब मर्ज छोड़ो हाँ ये रहा अगर पुल रिक्वेस्ट मर्ज हुई है तो मुझे ये स्टेप्स हैं स्टेप में अगर नोटिस करो तो मतलब ये बोलता है कि भाई इस ओ एस पे चलाना है पहला एक्शन होगा कि चेकआउट करना है इस ब्रांच पे सेकेंड में तुम्हारा एन फाइल उठाना है ये ये चीज़ें एन फाइल की डिटेल्स हैं एन फाइल नोटिस करो मैंने यहाँ पर मतलब तुमको डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं ठीक है सिर्फ वेरिएबल का नाम दिख रहा है उसके बाद एन पी एम इंस्टॉल चलाना है एन पी एम रन सर्वरसाइट जनरेशन करना है और उसके बाद फायरबेस पे होस्ट कर देना है बेसिकली तो मैं बस कोड अपडेट करता हूँ पुष्ट कर देता हूँ मेरा मतलब फायरबेस पर अपडेट हो जाता है मेरा वेबसाइट अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता है ये है सी आई सी डी ठीक है इसको बोलते हैं सी आई सी डी तो ऐसे मतलब बड़े बड़े ऑर्गनाइजेशन के एलैबरेट सी आई सी डी होते हैं कि कोड डाला उसके बाद पूरा पाइपलाइन चलता है फिर उनके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है वो चेंज ठीक है तो गिटअप में भी तुम अगर सी आई सी डी में डाल रहे होगे तो ऑब्वियसली मतलब अगर कोई चीज़ कोड सॉरी की डिपेंडेंट है तो वो की तो यहाँ पे होनी चाहिए ना नहीं तो वो सी आई सी डी में चलाएगा कैसे मतलब तुम अगर लोकली भी बिल्ड करने जाओ तो भी की चाहिए यहाँ भी बिल्ड करने जाओ तो भी की चाहिए लोकली तो तुम्हारे पास एन फाइल है लेकिन यहाँ तो नहीं है क्योंकि तुमने उसको गिट इग्नोर कर रखा है तो कैसे करोगे तो गिट में देर इज समथिंग कॉल्ड गिट सीक्रेट्स हाँ यार दिख रहा है क्या तुम लोगों अच्छा यहाँ तो गिटअप सीक्रेट्स में क्या करते हो तुम जाते हो वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसमें वैल्यूज डालते हो ये वेरिएबल की वैल्यू अब तुम भी नहीं देख पाओगे ठीक है बस तुम अपडेट कर सकते हो इसको वापस देख नहीं पाओगे और ये वैल्यू तुम डायरेक्टली अपने वर्क फ्लो वाले कोड में यूज़ कर सकते हो तो तुमने अगर नोटिस किया हो ये वेरिएबल का नाम नोटिस करो और यहाँ पे ये नोटिस करो ठीक है तो वैल्यू उठा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है वैल्यू कह रही यस yes, ये बस ऐसे ही एक yes, टिप था जो याद रखो ताकि आगे कंपनी में जाके आ, कीज अपलोड मत कर देना डेटा पे ठीक है यस कुल दैट्स इट